बढ़ते आगे मिशन 400 के लिए दक्षिण को साधने निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में रहेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर कोयंबटूर पहुंचेंगे और मेट्टपालयम में 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाले हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में उसका खाता खुल जाए, क्योंकि 2019 में तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं उसका वोट प्रतिशत सिर्फ 4% था। और अब इसी तस्वीर को बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है दक्षिण पर, खासकर तमिलनाडु पर। आज तमिलनाडु के कोयंबटूर में रोड शो निकालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जाहिर तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश यहां पर होगी। 400 पार का जो नारा एनडीए की ओर से दिया गया है उसे यहां पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दक्षिण का रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। तो तमिलनाडु से पहले प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में थे, जहां से उन्होंने अपने मिशन दक्षिण की शुरुआत की। इस दौरान करीब 10 साल बाद पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू एक साथ एक मंच पर दिखे। मद्रास हाईकोर्ट ने आज कोयंबटूर में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को इजाजत दे दी है। इससे पहले कोयंबटूर प्रशासन ने रोड शो की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। प्रशासन ने कोयंबटूर के सांप्रदायिक इतिहास, सुरक्षा कारणों और छात्रों को परीक्षा में होने वाली असुविधा का हवाला देकर रोड शो की इजाजत नहीं दी थी। तमिलनाडु पुलिस प्रशासन के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दी थी, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ बीजेपी के पक्ष में फैसला सुनाया और पीएम मोदी को 3.5 किलोमीटर तक रोड शो करने की इजाजत मिल गई। हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज कोयंबटूर पहुंचेंगे और मेट्टपालयम में रोड शो करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की 39 सीट में से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, वहीं उसका वोट प्रतिशत सिर्फ 4% था। लेकिन इस बार बीजेपी को भरोसा है कि एनडीए के नए सहयोगियों और मोदी के दम पर दक्षिण में भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी। तो देखिए, तमिलनाडु से पहले प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में थे, जहां से उन्होंने अपने मिशन दक्षिण की शुरुआत की। इस दौरान करीब 10 साल बाद पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू एक साथ एक मंच पर दिखे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलनाडु में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में उनके साथ एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण भी मौजूद रहे। ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। रैली के बीच में कुछ लोग अपने नेताओं को देखने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गए, जिन्हें नीचे उतारने के लिए प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ी। बिजली के तार है, आप क्या कर रहे हैं वहाँ? प्लीज कम डाउन, प्लीज नीचे आइए आप। रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने विरोधी दलों पर भी जमकर हमला बोला।